क्योंकि ये है यहाँ पे नो मेकअप मेकअप लुक, या कह लो आप लाइट मेकअप। तो सिर्फ चार चीज़ें यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे, जैसे ये काजल है, लिप बाम है, आईलैश कर्लर है और मस्कारा है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे आईलैश कर्लर, और उसे मतलब हल्के हाथों से ऐसे आईलैश कर्ल कर लूँगी दोनों लैशेस, दोनों आईज़ की लैशेस। ये यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है कि आप हैवी मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ही लाइट लगा सकते हो, एक या दो स्ट्रोक में ही आपका काम हो जाएगा। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मस्कारा, आप भी अपना फेवरेट मस्कारा ले लेना और ऐसे लाइट हाथों से, हल्के हाथों से लगा लेना अपनी आई लैशेस पर। दोनों आई लैश पे लग गया है और इतना काफ़ी है, नेचुरल लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, बस और क्या चाहिए। और अब यूज़ करूँगी मैं काजल, क्योंकि हम आईलाइनर यूज़ करेंगे तो हैवी लगेगा थोड़ा, तो हमें नो मेकअप मेकअप लुक है, लाइट मेकअप है, तो काजल, हाँ ऐसे स्मज प्रूफ काजल ही लेना है आपको, ताकि ये स्मज ना हो। तो ये अपर लैश लाइन, ये अपर वाटर लाइन कह लो या लैश लाइन जो भी है, इस पर लगा लेना है ऐसे मिरर में देख के दोनों आईलैशेस लैश लाइन पर। और लगा लिया है, बिल्कुल लाइट लगना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। और फिर थोड़ा सा मैं लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी, हल्का हल्का ही लगाना है, जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपकी आईज पे नेचुरल लगे उतना ही अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से इसे लगा सकते हो। और इसके बाद यूज़ करूँगी मैं अपना लिप बाम, तो आप भी कोई सा भी लिप बाम यूज़ कर लेना जो आपको पसंद हो, जिसमें हल्का कलर हो। तो इसमें हल्का रेड टिंट है, पिंकिश है, तो फिर मुझे ये अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है मेरे लिप्स पे, तो मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी। और लग गया है तो इतना काफ़ी है, और अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। और थैंक यू।